करती हर रोज से मैं तो चलो इस खबर मचा मैं मालूम है कि जैसे आता पीछा बेबी मेरे सामने बन रहा क्रेजी में बस रहा तू रैपर नहीं डांसर है तू कर रहा है सफर तू शायद। तो हे गाइज इट्स मी संजू वेलकम बैक टू अस कमिक्स। दोस्तों प्रीव्यू में जिस तरह का एक बॉयज़ एटीट्यूड स्टेटस वीडियो आप लोगों को दिखाया, इस तरह का वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। मैं हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही सिंपल में सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। एंड गाइज इस वीडियो को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल का मैं यूज़ कर रहा हूँ सारा कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट काम आप लोग क्या करना है, टर्बो हैपन अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर टैप टू कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या आपका एप्लीकेशन को ओपन करें, ये एप्लीकेशन गाइज आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक वर्क ना करे तो एस्केमिक्स ऑफिशियल सर्च करके भी आप लोग जा सकते हो। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को ओपन करना है इस तरह का इंटरफेस है। तो फर्स्ट न्यू प्रोजेक्ट पर टच करें, यहाँ पर गाइज एक 18 सेकंड का वीडियो मैं फर्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा, इसे फर्स्ट आप लोग ऐड कर लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए ऐड एडवर्ड इस पर क्लिक करें, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक कर लीजिए। अब 26 सेकंड का एक वीडियो रहेगा, इसे आप लोगों को ऐड करते ऑडियो जो है गाइज नीचे ऐड हो जाएगा। अब इस वीडियो को बनाने के लिए गाइज आप लोगों को 16 फोटोज की जरूरत है, तो यहाँ पर 16 फोटो आप लोगों को ऐड करना है। तो फोटोज ऐड करने के लिए साइड में एक प्लस का आइकॉन इस पर क्लिक करें। उसके बाद गाइज आप लोग क्या करना है, यहाँ पर फोटोज में जाना है एंड फोटोज में जाने के बाद गाइज आप लोग गैलरी से 16 फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पर मैंने 16 फोटो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर नीचे देखिए ऐड का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं आप लोग देख सकते हो सभी फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब फोटोज ऐड होने के बाद गाइज आप लोगों का फोटो अगर साइज में इस तरह से छोटा हो रहा है तो दोनों फिंगर से जूम करके आप लोगों को फुल स्क्रीन में करना है। तो ये आप लोग सभी फोटोज को फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हो सभी फोटो मेरा फुल स्क्रीन में ही है, तो यहाँ पर मैं ये प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब गाइज आप लोग क्या करना है, सभी फोटो को 0.5 सेकंड आप लोग करना, देखिए इस तरह से 0.5 सेकंड कर लीजिए। अब आप लोग क्या करना है, देखिए अब 0.5 सेकंड फर्स्ट फोटो करें, उसके बाद सेकंड फोटो को भी 0.5 सेकंड करें, इस तरह से गाइज लास्ट तक आप लोगों को सभी फोटो का ड्यूरेशन 0.5 सेकंड करके कर लेना है। तो ये प्रोसेस भी मैं कर लेता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने सभी फोटो को 0.5 सेकंड करके कर लिया, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। अब आप लोग क्या करना है, देखिए सभी फोटो में एनिमेशन ऐड करना है, तो फर्स्ट फोटो पे क्लिक करें, उसके बाद नीचे देखिए कि एनिमेशन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। अब गाइज आप लोगों को ये पोर्शन ध्यान देकर देखिए, फर्स्ट आप लोगों को कॉम्बो पे क्लिक करना है, उसके बाद गाइज यहाँ पर फर्स्ट फोटो में फर्स्ट एनिमेशन को ऐड करें, सेकंड फोटो में सेकंड एनिमेशन को ऐड करें, थर्ड फोटो में थर्ड एनिमेशन को ऐड करें, फोर्थ फोटो में फोर्थ एंड फिफ्थ फोटो में फिफ्थ एंड सिक्स नंबर फोटो में सिक्स को ऐड कर लीजिए। इस तरह से गाइज आप लोगों को एक से लेकर छः तक आप लोगों को सभी फोटो में एनिमेशन ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर ये होगा। तो उसके बाद फिर से रिपीटेड करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक सेवन नंबर फोटो में फर्स्ट को दीजिए, उसके बाद सेकंड को दीजिए, थर्ड को दीजिए, इस तरह से गाइज आप लोगों को एक से लेकर छः तक जो एनिमेशन है ऑल्टरनेट करके आप लोगों को सभी फोटोज़ में ऐड कर लेना, तो ये प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो सभी फोटो में मैंने एनिमेशन ऐड कर लिया हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए दो फोटो के बीच में एक बॉक्स वाला आइकन है, इस पर एक बार क्लिक करें, उसके बाद गाइज यहाँ पर लाइट इफेक्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइट इफेक्ट है, इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद गाइज आप लोग थोड़ा सा स्लाइड करते यहाँ पर ब्लेंच करके मिलेगा, उससे आप लोग को ऐड करना, देखिए ब्लेंच है इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद 0.2 पे ही रहने देना है एंड अप्लाई टू ऑल जो है नीचे इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। तो गाइज सभी फोटो में एक फ्लैश इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अब इतना तक हो जाने के बाद फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पर आ जाइए, बैक आइए, इफेक्ट पर क्लिक करें, उसके बाद वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करें। वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग को ट्रेंडिंग पर ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आप लोग को स्लाइड करना है, यहाँ पर देखिए कि आप लोगों को इफेक्ट मिलेगा उसे ऐड करना है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो है गाइस गार्बल्ड ग्रैफ्ट करके, तो इसको आप लोगों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद इसे खींच के वीडियो के लास्ट तक कर लीजिए। अगर इंटेंसिटी आप लोगों का ज़्यादा लग रहा है ये इफेक्ट का, तो आप लोग यहाँ पर एडजस्ट में जाने के बाद एडजस्ट कर सकते हो। अब आप लोग क्या करना है, देखिए फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर से उस जगह पर आ जाइए, आने के बाद गाइज यहाँ पर वीडियो इफेक्ट पर फिर से क्लिक करें, उसके बाद गाइज यहाँ पर HDR इफेक्ट को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, उसके बाद इसे खींच के वीडियो के लास्ट तक कर लीजिए। और गाइज इस वीडियो में कुछ भी नहीं करना है, आपका जो वीडियो है बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं वीडियो को बिना प्ले कर रहा हूँ, आप लोग ऑडियो के साथ सुनना चाहता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।